313 थे, सब के सब ठंडे होके गए। सुंदर साथ जी, कुछ सार है वाणी। कृष्ण परम धाम में नहीं है, कृष्ण केवल योग माया में सबलिक ब्रह्म। वह भी राजीव राय ने कभी अक्षरब्रह्म को लीला करके दी थी। उसने मांग कर ली कि मुझे अखंड कर दो, कि ले वे लीला अखंड, हम चले अपने परम धाम। हमारा मतलब राज्य और श्यामा जी से है। अब बता देने के बाद भी सुंदर थरहत को फिर भी किसी को पता नहीं चला। दाम नाता किने ना देखा। ध्यान दो, परम धाम का आत्मा का नाता किसी ने देखा नहीं, शरीर का नाता देखा कि हाय हमारे सतगुरु महाराज चले गए, अब वहां जाके क्या करेंगे, वहां रखा ही क्या है, बस ऐसा सबके दिल में भाव हुआ। और गांगजी भाई के घर जो स्थान था, कोई भी आवाता नहीं, अपने घर अपने घर में ही सारे ठंडे होके बैठ गए। ये आज्ञा ही ऐसी थी, क्योंकि इस तारतम से जागनी होनी नहीं थी, दूसरे तारतम से होना। कई लोगों को नहीं पता ना, अरे इन्होंने तारतम ही बदल दिया, हमारी क्या औकात है भाई, हमारी औकात क्या है। तारतम देख विचार के प्यू लाए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तुरहा खांगड़ू। खांगड़ू कहते हैं जैसे दाल में भरंग होता है, उसको कितना भी सीटियां बजाते रहो, आग जलाते रहो, रोड़े के रोड़े रहता है। ये सीटियां बज रही हैं, ये वाणी उबाल उबाल तुम्हारे कर रही है, पर तुमने श्री जी साहेब जी कहना ही नहीं। वो साहेब आए, सबका एक परमात्मा होने के नाते से ना हिंदुओं वाला नाम है, ना मुसलमानों वाला है, ना सिखों वाला है, ना क्रिश्चियन वाला है, कौन है, साहेब। किसी को तकलीफ नहीं। खुद दूसरा तारतम जो है मेरते के बाद जब आपके सामने आएगा, खुद कहा अब नहीं नाम श्री जी सर, बस इतना ही फर्क, बाकी अनादि अक्षराती तो सो तो। अब कौन हुए साहेब, जाहिर हुए कि कृष्ण जाहिर हुए। कोई सुंदर साथ विचारे तो जरा हठ धर्मी दिमाग में से निकले, कृष्ण तो 5000 साल से गीता और भागवत में जाहिर संसार में हो चुके हैं, कौन जाहिर हुआ श्री जी साहेब। सो तो अब जाहिर हुए, और सब विद वतन से परम धाम की कुल वाणी कुल ज्ञान स्वामी जी दे के आए कि कृष्ण जी दे के, शम से मिटाओ, करो अपनी मर्जी, मैं नहीं कहता। तुम्हारा मन में जो विचार है दृढ़ता से सोचो, सत्य क्या है और झूठ क्या है, और क्यों नहीं आज दिन तक जागनी हुई, और अब फड़ा फड़ जो इस ब्रह्मवाणी को सुनता है कैसे जागृत होता चला जाता है। ये सारी बातें उन्होंने कह दी, कितने दिन पीछे बाल भाई आई। अब ध्यान देना, बाल भाई सोचती 3 महीने हो गए कोई आता ही नहीं है, और इतनी महत्वपूर्ण गादी अक्षर तीर्थ की हम खाली कैसे छोड़ दें। तब मैं राय ठाकुर को नहीं बुलाया मीटिंग में, बाकी सब सुंदर साथ को बुलाया कि भाई देखो बात ये है, देवचंद जी महाराज कभी 14 वर्ष भाई अभी कहां क्या करते, और वो राधा वल्लभी मार्ग वाले थे, तो अब जो राधा वल्लभी मार्ग के अंदर है प्रथा वही हमको करनी चाहिए। तो राधा वल्लभी मार्ग में एक गुरु जी चले जाए तो उसके बाद उनके लड़के को ही गुसाई जी बना के बिठाया जाता है इस बिहारी जी का हक गद्दी पर बैठने का, खुद ही प्रपोजल कर दिया, खुद ही सेकंड कर दिया। तो सब सुंदर सारने का जी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बिठा दो। अब बाल भाई महाराज ठाकुर के पास जाती है सलाह करने के वास्ते, और जाके क्या कहती है महाराज ठाकुर, भाई 3 महीने हो गए थे कोई आता ही नहीं था, चर्चा सत्संग सारे नाता परम धाम का भूल बैठे थे, तो हम सब सुंदर साथ ने मिलके मीटिंग की है कि इस तरह से गोसाई जी के बाद
गोसाई जी का लड़का हकदार जैसे गद्दी पर होता है तो अपने को भी बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बिठा देना चाहिए। बोलो तुम्हारी क्या राय। अब उन्होंने कहा कि जब सारे सुंदर साथ ने तुमने मिलकर फैसला कर लिया तो मेरा फैसला तुमसे अलग नहीं, बाकी जो तुम्हारे दिल में और बिहारी जी के दिल में डर है ना कि मैं को गद्दी पर बैठूंगा, नहीं मैं गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। और तुम्हारे दिल में हो कि हम कोई उनके विरोध में ना, तुम तय करो, सारा काम सेवा का मैं करूंगा, सब सुंदर साथ को चिट्ठियां मैं लिखूंगा, सब व्यवस्था भी मैं करूंगा और उनको नला धुला के पोशाक पहना के गद्दी पर भी मैं बिठाऊंगा। और बोलो मेरे से क्या चाहते हो। ए मसलत करके, ए फैसला करके, आई बाल भाई अपने बाल भाई आ गए अपने घर, आके गए ओ बिहारी जी महाराज बधाई हो, वोट पक्की होगी तुम्हारी, आके बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसलत, बस फैसला करके वो दिन आ गया, नलाया धुलाया सबने खुशियां मनाई, भंडारा किया और उनको अक्षरा तीर्थ बना दिया। क्यों आज भी हम लोग क्या सोचते हैं, जिसकी गाती है वो अपने आप कृपा कर देंगे, ये भी वैसे होते हैं, लेकिन सतगुरु देवचंद जी महाराज बिहारी जी पर कृपा नहीं कर सके। सबका लड़का था और एक एक था उस पर कृपा कर देते हैं, ये शरीरक संसारिक नाता नहीं था, ये बात हुक्म के अक्षर की। इस वास्ते अब क्या होता है, संवत 1717 से कई मेरे साथी सोचेंगे जी इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि सत्य के साथ जब तक झूठ नहीं होगा तो सत्य की पहचान कभी होगी नहीं। राम को कोई भगवान ना कहता अगर रावण ना होता, कृष्ण को कभी कोई भगवान ना कहता अगर कंस ना होता, स्वामी जी की इतनी जल्दी पहचान ही ना होती अगर बिहारी जी ना होते, ये बात है। इसलिए जो है फिर ये भी बताना था कि गद्दियों पे कुछ नहीं होता, ये दुनिया वालों की प्रथा जरूर है लेकिन अक्षातीत पार ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है। जब मोहम्मद साहब की भी आत्म परम धाम में गई तो उसने पूछा है मेरे अल्लाह ताला, अब आप जब उम्मत को आत्माओं को लेकर के आओगे तो किस जगह पर ठहरोगे, मुझे बता दो तो मैं वहां आपकी हीरे जवाहरातों के लालों के लगा के मस्जिद बना दूं। कहने लगे ना मैं मंदिर में रहूंगा और ना मैं मस्जिद में रहूंगा, ना मैं गिरजों में रहूंगा, ना मैं गुरुद्वारों में रहूंगा, क्योंकि वो कारोबार की दुकानें खुल जाएंगे, धंधे खुल जाएंगे, वहां कथाएं सुना के लोग पैसे मांगेंगे। कलूबे मोमिन अरशे मन मस्त, मेरे मोमिन का जो दिल है जहां पर आत्मनिर्भर होगी मेरा ठिकाना उसके अंदर होगा, फिर मेरी आवाज से पहचान लेना, शरीर से ना देख पाओ, शरीर से तुम देख करके अवगुण निकालोगे भूल जाओगे, आवाज जो आज करता हूं वहां भी आके वही परमधाम की बातें करता हूं, पहचान जाना इस तन में राजीव राय की मेहर कृपा है। संबत 1712 में आसू महीने में, आसू के महीने में सब साथ को खबर है, सब सुंदर साथ को मेराई ठाकुर के द्वारा सब खबर होगी कि इस तरह से सतगुरु देवचंद जी का धाम गमन हो गया है और बिहार जी महाराज को उनकी गद्दी पर बिठा दिया गया है, ये सारी सेवा इन्होंने की, सब सबको समझा के बुझा के डांट के जो नहीं भी आते उनको भी ले आए, सबके चित को फिर लगाया कि सतगुरु महाराज जी की गद्दी है अपन को आना चाहिए, सब साथ दिन से, सब साथ फिर उस दिन से आए हुकम तले नहीं दावा, बस फिर हुकम के तले बिहारी जी को क्या माना कि यही अक्षरा
जी तुम्हारे धाम के धनी है, जहाँ तहाँ साथ में, जहाँ तहाँ सब सुंदर साथ में खबर हो गई, बात भई जाए, ये बात का पता चल गया। चर्चा श्री धाम की, अब परम धाम की चर्चा बिहारी जी कहाँ से लो, गद्दी पर तो बैठ गए, तारतम लिया नहीं था, अपरम धाम की चर्चा क्या करें? करे बिहारी जी बाहर, करे बिहारी जी क्या मतलब, कमरे से बाहर नहीं जाते, मतलब चौपाई उठाई और बात कहाँ की शुरू कर देनी। सीता जब वन में गई थी ना, तब रहा क्या रावण हरण करके ले गया था, इस तरह मरीच ने सोने का वो भेजा था। फिर बात ये है कि भागवत के अंदर भी आपने सुना होगा चौपाई परम धाम की और कथाएं रामायण की, और फिर बीच में एक चुटकला लगा दिया, आह मजा आ गया चर्चा का सुनने वालों, कहां ब्रह्म ज्ञान की चुपाई, कहां संसारिक बातें, बाहरी बातें। तो स्वामी जी लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज सदा बाहरी उठकले चुटकले सुना के समय पूरा कर देते हैं। आगे सबके श्री महाराज, अब महाराज ठाकुर खुद सबसे आगे आके चर्चा में बैठते हैं, ताकि बिहारी जी के दिल में फिर किसी प्रकार का शक संदेह ना आ जाए। बैठे चर्चा सुनने तो, चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, चर्चा की चर्चा। और अब सुंदर सा तड़प तड़प मैं राय ठाकुर को कहते हैं, राय ठाकुर कुछ आप कृपा कर। कहने के भाई मैं चर्चा तो दूंगा सुना, मुझे एकदम इन्होंने परम धाम से निकालना है, क्योंकि इनसे यही सहन नहीं होना कि गद्दी पर बैठा मैं और चर्चा सुनावे ये। तो बोलो, कहते हम बताएंगे नहीं, क्या तुमने बताना, क्या तुम ही बताओगे जाके। सब ने जब बहुत प्रार्थना की, कहने लगे अच्छा पहले सारे यहाँ आया करो बिहारी जी के चरणों में, उसके बाद मैं एकांत में फलां जगह होऊंगा, वहां आ जाया करना। अब जब वहां चर्चा करने लगे, करते 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 खुली आंकड़ी अंतर यम, अंदर राज्य और श्यामा जी बैठे ही थे, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, जो सतपुरुष धनी देव चंद जी के मुखार बिंद से राज्य में राज अक्षातीत अंदर बैठ के चर्चा सुनाते थे, बस तन जरूर बदल गया, चर्चा ज्यों की त्यों होने लगी, सुंदर साथ को सुख मिलने लगा। साथ आगे खोलने सब सुंदर साथ के आगे, एक एक बात के भेद, शास्त्रों के भेद, गीता भागवत सबका एक ही कर। सुंदर साथ जी किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी ग्रंथ की निंदा, किसी भी गुरु की निंदा से बड़ा पाप कोई नहीं होता। मिलान करके बताना, सत्य को सत का मार्ग देना, और बाकी मिथ्या क्या है उसका ब्यौरा करके बताते थे। अब हृदय के अंदर वो शक्ति जागृत होती चली जाती है, जो चर्चा ज्यादा करे, इस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने लगे। सारे सुंदर साथ चर्चा सुन करके बड़े मगन होते हैं कि वह राज्य महाराज शुक्र है, चलो कोई बात नहीं, बिहारी जी महाराज को भी मत्था टेक लिया करेंगे, पर आत्मा की खुराक तो पूरी हो ही रही है, सेवा करो सैयद की। तब अब ध्यान देना, महाराज ठाकुर एकदम सोचते हैं, भाई ये चर्चा को मैं तो सुना नहीं रहा, ये है जो निर्मलातन होती है, ये चर्चा तो राजी महाराज अपनी आत्माओं के लिए कर रहे, तो मैं जाके परम धाम में क्या शक्ल दिखाऊंगा, मैंने क्या सुंदर साहब की सेवा की, चर्चा ही सुना देना तो कोई सेवा नहीं है। कह लगे फिर सेवा यहां करनी है तो सेवा तो बिना पैसे के होगी नहीं। अब उधर क्या एक प्रसंग बीच में आ जाता है कि वहां का जाम साहब जो थे वजीर साहब देहांत हो गया, जगह खाली हो गई, बिहारी जी को कहते हैं बिहारी जी महाराज आखिर आप गद्दी पर बैठे हैं तो आपकी सेवा भी तो चाहिए, अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दें ऐसों से और क्या मांगना था, तो नौकरी की जगह खाली मैं वजीर बन जाऊंगा, पैसा कमा कमा के लाके आपकी
सेवा करूंगा, श्रृंगार करूंगा, सुंदर साथ की भी सेवा करूंगा। कहने लगे शाबाश जा, दामदनी का आशीर्वाद है, नौकरी लग जाएगी। अब आशीर्वाद से लगी कि उनकी योग्यता से लगी नौकरी। अब सुनना, 3 बजे उठते, नहाते धोते, पहले बिहारी जी महाराज को नला धुला के गद्दी पर बिठाते और उसके बाद सुंदर साथ को चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके कचहरी, और 4:30 बजे फिर चित्रण जो है यहीं से शुरू हो गया था। सुंदर साथ को आके कराते 4:30 बजे, फिर कचहरी चले जाते। अगर कोई फाइलें बच जाती थी तो रात के 12-12 बजे बैठ कर डेली का डेली काम, ये फाइलों या नौकरी के वास्ते नहीं, ये सुंदर साथ की सेवा के वास्ते है, इसलिए इतना परिश्रम करने लगे। अब उधर बिहारी जी महाराज क्या जाने सुंदर साथ को प्रेम क्या होता, किस प्यार के साथ सुंदर साथ को गले लगाना है, बिठाना है, बस वो तो मैं अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म। अब जो उनकी चर्चा भी सुनने नहीं आता, जा परम धाम से निकाल दिया, महाराज आ रहे तुम्हें नहीं ले जाना। एक धारावाही था बेचारा, किसान था वो, दूसरा धारावाही। अब रोज चर्चा दोनों टाइम सुनने आता, जामनगर के पास से उसकी जमीन थी, गेहूं का फसल था, पक्के तैयार हो गया। आके बिहारी जी से कहा, हे दामदनी, मेरी गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई, और यदि आप आज्ञा दें तो सुबह मैं चर्चा पे नहीं आ सकता, क्योंकि सुबह हमको जल्दी जाके खेत में गेहूं काटना है, गेहूं हो जाएगा, आपकी भी सेवा होगी, बच्चों का भी काम चलेगा, शाम को सेवा में चर्चा सुनने अवश्य आऊंगा। हाँ, गेहूं के बदले तो चर्चा छोड़ता है, निकाल दो इसके बाद, खबरदार कभी भी चर्चा सुनने आनी है मंदिर से बाहर, निकाल दो इसे। उन्होंने कहा, महाराज मैं गेहूं नहीं काटता, मैंने तो आए, निकाल दो बाहर, हजूरी देख कर रहा, धक्के मार, निकाल दो बाहर। अब बेचारा निकाल दिया क्या, मंदिर पर बैठा है, रो रहा है, फरियाद कर रहा है, डर के मारे कहे क्यों, क्योंकि स्वभाव तो हर कोई जानता ही था, कोई ना कहे। 14 दिन हो गए भूखा प्यासा बैठा तड़प रहा, झूठ गादी पतियों के व्यवहार, इसलिए ये यहाँ पर बताया जाता है। जब 14-15 दिन हो गए, तड़पने लगा मानो मौत सिर पर आ गई, तो मेरा ठाकुर जी की पत्नी जिसका नाम फूलबाई था, उसने देखा हमारे होते हुए और एक सुंदर साथ प्राण त्यागे, राजी को जाके क्या शक्ल दिखाएंगे। बस मंदिर से चनामन प्रसाद लिया, उसको दे दिया, और अपने घर ले जाके दूध में साबूदाना वगैरह हल्का, 14 दिन जिसने नहीं खाया, भारी तो दे नहीं सकते थे, और हल्का सा दूध दिया, फिर और दिया तो जिंदा हो गया। अब ये बात किसको पता चल गई, अच्छा पहले से हजूरी को कह दिया है, हजूरी मेरा ही ठाकुर आएगा कचहरी से, अभी उसको बाहर बंद कर देना, उसका भी मंदिर में आना बंद है। अब मेरा ही ठाकुर आया शाम को कचहरी से, रोक दिया गया। क्यों लगे, क्यों भाई, मैं तो सवेरे 10 बजे धामदनी से आशीर्वाद लेके गया था, तो कचहरी में बैठे बैठे मैंने क्या पाप कर दिया, जो उन्हें कहो जी मेरा ही ठाकुर कह रहे हैं मेरे से एक बात कर लो, उसके बाद जो सजा दे देना। आके पूछा कि महाराज मेरे से क्या दोष हो गया, कहने लगे तुम्हारे से दोष नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी ने इस तरह से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहने लगे महाराज दोष उसका, फांसी मुझे है, जिसने दोष किया उसको सजा दो, मेरा दोष कोई है तो मुझे बताओ। कहने लगे तो फिर तुझे सजा यही है, या पत्नी को ले ले या सुंदर। ये है अभी तक किस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने खुद प्रैक्टिकली संसार में से निकल के हमको दिखाया, तुरंत निर्णय किया, धाम बनी आज से फूलबाई को छोड़ो, कभी उसकी शक नहीं, लेकिन मैं सुंदर साहब को नहीं छोड़ सकता।
मैं सुंदर साहब को नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि छुट्टी से बात हुई तो मंदिर से लौट के घर बैठे। बहुत बड़ा पाप करते हैं सुंदर साहब जो किसी की बातों में आके राज्य के चरण कमल छोड़ते। अब पत्नी भी कैसी थी फूल भाई, ये चिट्ठी हिंदी में तो नहीं छप सकी, गुजराती में छप गई ज्यों की त्यों कि ए मेरे प्राणनाथ, दो नाते की बात है, मैं तुम्हारे निर्णय पर बहुत खुश हूं। मैं डर रही थी कि अरे मेरे मोह के कारण तुम सुंदर साथ को छोड़ ना दो, मैं खुश हूं और चिंता मत करो, इस चिट्ठी को अपने पास रखना, मैं बहुत जल्दी इस शरीर को छोड़ दूंगी, नया तन धारण करके मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर इस चीज को याद रखना, बिहार जी महाराज को शरीर से तो दुश्मन है, मेरी आत्मा से थोड़ी दुश्मन है, मैं आपकी अंगना ही बन करके इस दुनिया में साथ निभाऊंगी, बस वो चिट्ठी दे दी। अब उसके बाद कोई मतलब नहीं था तनख्वाह को घर लाने में, जो कुछ मिले वहीं की वहीं जमा करा दें, अब यहां सेवा करें, जो दो रोटी खानी वहीं लंगर से अपना खा। दो साल हो गए, वजीर की तनख्वाह हजारों रुपए जमा हो गए। अब कान जी भाई एक सुंदर साथ था, उसको अपने पास नौकरी पे भी रख लिया कि देखो भाई बहुत बड़ा भंडारा करना। क्या लक्ष्य लिया कि जितने भी सुंदर साथ सारे भारतवर्ष में हैं, जहां तहां कहां कहां अपना काम काज करते हैं, कोई दुकानें करता है, कोई खेती करता है, सब के काम धंधे छुड़वा के मैं नौतनपुरी बुला लूं। जैसे परम धाम में इकट्ठे रहते थे उसी तरह से इनको रखूं, इनके खाने का पीने का कपड़ों का वस्त्रों का सारा प्रबंध मैं। तब उन्हें कह दिया भाई गांठे की गांठे बहनों की साड़ियों के लिया, ब्लाउजों के कपड़े लिया, भाइयों के लिए धोतियां लिया, उनकी कमीजों के थानों के थान गांठे के गांठे भर दे, और देसी घी के 200 टीन लिया, 200 बोरी जो है चीनी करा के रख दे, डालने भी भर दे, जो तेरा बिल आवे तू रोज का रोज मुझे बताते जाना, मैं कैश देता जाऊंगा। अब लेकिन एक बात करना, बिहारी जी के वास्ते इतना बढ़िया पोशाक बनाना कि जो बाजार में शायद ही किसी के पास हो, और बिहारी जी कब खुश होंगे, जो उनका नाभिजी साला है ना उसको कटार रखने का बहुत शौक है, उसकी जो खोली होगी उस पर सोने के कील लगवा देना, वो खुश तो बिहारी जी खुश हो जाएंगे। ऐसा अच्छा जी, अब सब सामान फटाफट इकट्ठा करते गए, कार्य कारण क्या हो गया, पत्नी नहीं बच्चे नहीं परिवार ने सामान सारा अपने घर में रखते चले गए। अब कपड़ा बिहारी जी के वस्त्रों के लिए बाजार में कहां से इतना कीमती मिलना था, उसके कान जी भाई के दिल में आ गए कि मैं राय ठाकुर को कहूं कि जो राजा की पोशाक का कपड़ा तुम खजाने में रखते हो वो दे दो, उससे बढ़िया तो बाजार में मिलेगा नहीं, और पैसे लिखने अपने नाम लिख लेना। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तुमने ठीक किया, राजा की पोशाक उठा के दे दी, पैसे अपने नाम लिख दिए, और बस ये होती है अनहोनी। सीधा वो कपड़ा लेके कहाँ चले गए, बिहारी जी के पास के बिहारी महाराज ये आपका पोशाक बननी है, कपड़ा पसंद है। बिहारी जी हैरान के ऐसा कपड़ा तो कभी देखा नहीं था भाई, कहाँ से लाए हो, आपको नहीं पता, महाराज ठाकुर बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, सारा कुछ बता दे, घर में जो है घी 200 बोरी पड़ी है और टीन पड़े हैं, चीनी पड़ी है, दाल पड़ी है, बेसन पड़ा है, आटा पड़ा है, सब सुंदर साथ के लिए कपड़े गांठे की गांठे पर रखी है। अब दिल है ना, अच्छा सबको इकट्ठा करके खुद वो अक्षरा तीत बनना चाहता है, मेरी गद्दी मैं गद्दी लेना चाहता है, ठीक है जाओ। नाग जी को बुलाया, भाई नाग जी हजूरी साहब आ जाओ, गई गद्दी
गति गई, ये हो गया। कहते तुम तो ऐसे जीजा जी घबराते रहते हो, लो मैं अभी एप्लीकेशन देकर राजा को दे देता हूँ कि राजा तेरा वजीर ने तेरा सारा खजाना उठा करके घर भर रखा है और छापा मरवा के देख ले बात सच्ची की झूठी। राजा कान के कच्चे होते थे, मैं जैसे झूठी एप्लीकेशन गई फड़ाक से बोले भैजी छापा मारा घी खांड सारा। राजा सोचने लगा एक आदमी आधी रोटी रोटी रात को खाता होगा, इतना सामान बिल्कुल ये बादशाह के खजाने को इसने लूटा, ये नहीं कि उसे भूलवा लूं, उसकी तनख्वाह चेक करूं, कुछ नहीं, कान के कच्चे थे। हुक्म दे दिया घर की कुर्की कर दो। सुंदर साथ जी कुर्की शब्द दुश्मनों के साथ भी राज्य में लड़ना लगा। जैसे के तैसे लोग खड़े होते हैं, बाहर निकाल देते हैं और पीने के वास्ते गिलास भी उठाने, कहां बादशाह के लड़के, बहुएं भी बाहर और तीन भाई उस समय घर थे, सांवलिया ठाकुर याद है ना, वो जो कुओं पे खटपट हुई थी, और उदो ठाकुर और मैं राय ठाकुर, क्योंकि गोवर्धन ठाकुर तो भूल गए धाम चल गए थे और बड़ा हर्ष ठाकुर बाहर गया। तीनों को उठा करके नजरबंद, जेल तो तब, सजा तो तब होगी जब केस चलेगा, नजरबंद कर दिया। और दूसरे ही दिन कुतुब खान ने बादशाह को नोटिस दे दिया कि तेरा जो है 2 साल का टैक्स नहीं आया, आके टैक्स चुका दा, नहीं तो फलां डेट को लड़ाई के लिए तैयार हो जा। अब राजा छोटे वजीर को लेके कहां चला गया, फाइलें लेके टैक्स देने के वास्ते, अब ये अंदर जेल। अब इंद्रावती की आत्म रोती है कि हे मेरे धनी, ओ श्याम प्यो प्यो करो रे पुकारी, अपने आत्म के धनी को बुलाती है कि धनी मैंने क्या पाप किया था, दुनिया वाले नहीं जानते, तुम तो जानते हो कि मैंने जो कुछ किया था वास्ते सुंदर साथ की सेवा के, और सबको एक जगह एक परम धाम की तरह से बनाकर माया से निकाल के इनको आपके चरणों में रखना चाहता था, क्या ये पाप पाप था। बिलख बिलख करके 6 महीने तक पुकारा, कुछ नहीं मिला, खाना भी छोड़ा। दोबारा प्रसंग आ गया, खाना छोड़ना पीना छोड़ना, कुछ नहीं मिलता। अब खाना छोड़ दिया पीना छोड़ दिया, सांस हवा पे जिंदगी सूख गया, शरीर मिट्टी का ढेर हो गया, सांस की नाली जरूर चल रही है। तब आखिरी प्रार्थना इंद्रावती कहती है, धनी परम धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संस, के धनी परम धाम में तो पल पल आपका मिलाप है, दर्शन है, ये दुनिया के मिलन दोबारा नहीं होगा, 2 मिनट के लिए आ जा और मेरे से मीठी मीठी मेरी कोई और डिमांड। तड़पते तड़पते क्या कहते हैं, ये मुझे पता है कि इस शरीर से मुझे नहीं मिलना चाहते, और ये भी मुझे पता है कि जैसे मैंने शरीर छोड़ा और आत्म बाहर निकली तो तुम रूबरू सामने आके खड़े हो। तब बहुत इंतजार की, शायद आ जाए शायद आ जाए। 8-9 महीने बीत गए, तब अंगूठा उठाया, ये सहरग सांस वाली नाली थोड़ी थोड़ी चल रही थी, इस पर दिया अंगूठा, शरीर खत्म, शरीर में कोई दम जान तो थी नहीं, तब सांस भी छोड़े हो सन, सांस जब साथ छोड़ देता तो क्या होता है, डेड बॉडी हो जाती। अब जीव और आत्मा निकले, ध्यान देना, अब ये सुनने का प्रसंग है, तो सामने युगल
कौन से? राधे कृष्ण के राज्य और श्यामा जी। अब देख के हैरान हो गए हैं। खुद पहचान राज्य में रहने दी। इंद्रावती देखती क्या? मैं ही अक्षरा तीत पूर्ण ब्रह्म युगल स्वरूप परम धाम के रहने वाला अक्षरा तीत राज्य और श्यामा जी। आप पहचान खुद के मैं कौन हूं? नहीं तो मेरा ठाकुर क्या समझ बैठे थे? कृष्ण ही अक्षरा तीत है क्योंकि उसके रूप से लीला हो रही थी, तो वो कैसे जानते? सुंदर साहब जी ज्यो की त्यों चर्चा सुनाई दे। आपो को और खावी वाला मारा खटुती विकरण नंबर 8। और फिर वो कहते हैं हे धनी आप और ये स्वरूप और ये लीला। कहने लगे हां हम मिलन करना चाहते हैं। कहने लगे तो फिर वो रास वाले श्री कृष्ण देखो कितना अड़िका डालते हैं। कहते हो धनी आपो पोल खावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। नहीं समझे के साक्षात आए हो दर्शन दे रहे हो अपनी पहचान करा रहे हो और कहते मुझे मिलना है तो ब्रजरास में मिलो, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। नहीं समझे? जिस तरह से एक शीशे के अंदर भी हमारी फोटो होती है ना, एक साक्षात सामने है तो साक्षात वाला चाहिए के शीशे वाला? आज दिन तक किसको पकड़ते रहे? शीशे वाले। रास और ब्रज प्रतिबिंब की लीला है, जैसे शीशे में परछाई होती है वो उनकी परछाई की लीला है। वाणी पढ़ लेना शम से मिट जाएंगे। खटुती विकरण 8 या 8-10 पहली छुपैया जरा पढ़ लेना। टीका भी हुआ है, समय लग जाए। अब जब सारी पहचान दे दी तब उसके पश्चात कहते हैं धनी साहब बताया तेरी आत्मा को जगाने के लिए मैं देवचंद जी के तन में आकर बैठा था पर तूने मेरी पहचान करी नहीं, अब हम क्या करें? अब यहां दुखी होके रहते हो मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। अब रो याद कर कर जो मारे थे हित के, जो आप बड़े प्यार की बातें हमें करते थे, लड़ते थे, जूझते थे हमारे साथ, हम समेटे थे गुस्सा कर। अब पता चला आप क्यों लड़ते थे, क्यों गुस्सा करते थे? हमारी आत्मा को जगाने के लिए, पर हम आपको नहीं पहचान सकते। कहने लगे अच्छा वो तो अब समय चला गया, अब हम तेरे तन में आकर के बैठेंगे। कहते हैं धनी इतनी बड़ी सजा ना दो, अब अगर राज्य महाराज यहां आ जाए और हम में से किसी को कह दें भाई हम तेरे अंदर बैठना चाहिए, राज्य महाराज जल्दी जल्दी आ गए, वो कहते हैं ना इतनी सजा ना। ये ब्रह्मज्ञानी है भाई, इस संसार के देवी देवताओं का वरदान नहीं। क्यों? के हे धनी इसमें कोई शक नहीं, आप जब मेरे अंदर बैठोगे तो सारे वेद शास्त्र पुराण सब ग्रंथों को एक करोगे, परम धाम की सारी वाणी भी आप कहोगे, तो सारी दुनिया वाले पहचान करके मुझे ही प्राण नाथ कहेंगे और सब आत्माओं को तो तुम्हारी पहचान हो जाएगी और वो सेवा भी करेंगे
मैं परम धाम में जब उठूंगी तो मेरा मुंह सबसे नीचा, क्योंकि तुम आए और मैं पहचान ना सकी और मैंने कुछ भी सेवा। कहते अब और चांस नहीं, एक एक आत्म के लिए 10-10 बार हम आके तम नहीं करेंगे। मैं एक बार चांस दिया, जिसने पहचान लिया ठीक है, नहीं पहचाना शर्मिंदगी। अब मुर्दा शरीर पड़ा है, काम कराना है, दोबारा जीव को राज्य में राज ने अंदर डाला, अपनी ताकत दी, चुपई है, मैं तो अपना दे चुकी, तुम ही राख्या जीव, दोबारा जिंदा किया, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने, अपना काम लेना था। अरे ये मेरा ठाकुर का तन नहीं है, मर गया वो तो पहले, अब ये तन अक्षरा तीत ने आकर के धारण किया, अब अंदर बैठ गए, 2-4 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। अब आवेश से वाणी उतरने लगी। रास ग्रंथ के पहले 5 विकरण हफ्ते में नहीं उतरे, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। वो दीप बंदर में उतरेंगे जब जयराम भाई के घर जाते हैं। रास की रामतों में सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार, राधा जी का श्रृंगार नहीं। सारे कहते हैं रास में राधे कृष्ण है, खोलो वाणी क्या, श्यामा जी का श्रृंगार और फिर राज्जी का श्रृंगार वर्णन हुआ। लिखने में पहले राज्जी का है, बाद में श्यामा जी का है, और फिर वही श्रृंगार सुंदर साहब का है, और उसके बाद जो रास की रामते हैं वो है, और उसके बाद रास देखने के बाद ब्रह्मा विलास देखने के बाद और अंतर ध्यान का दुख देखने के बाद जो दुख हुआ वो पिकरण है। वाला तेहज घर ले चाली, हे धनी ना ये है सांवरिया कृष्ण, ना ये तेरा स्वरूप सुहाता है, हम इस स्वरूप को नहीं देखना चाहते क्योंकि ये हमें दुखी करता है, ना ये तेरा वृंदावन चाहिए, ना ये तेरी रामते चाहिए, वहां ले चलो जहां कभी भी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। जो करते चर्चा, इस तरह से जो है चर्चा होती चली गई, और फिर वहां प्रकाश गुजराती भी उतरी, खटूती भी उतरी, कलश की 2 चुपियां उतरी, साल पूरा हो गया। अब जब रास की रामते उतरती हैं तो कई बार फिर आवेश के द्वारा वही रास की ब्रज की लीलाएं साक्षात ही आके कृष्ण रूप में करते हैं। तो जब बांसुरी बजती है, जमुना तट की बातें होती हैं, तो आखिर बांसुरी की आवाज राजा की रानियां जो रहती थी वो भी सुनती हैं। अब आखिर फाटक बंद था बीच में, थोड़ी थोड़ी जगह तो दरवाजों में हुई जाती है, देखती हैं कि अंदर अद्भुत अलौकिक रोशनी है, ये लीला हो रही है, कांप गई। अब रानियों ने वजीर को बुलाया कि महाराज ठाकुर का अकाउंट लाया जाए, तो सारा कुछ जो घी खांड जो भी सामान था वो सब के पैसे लिख रखे थे और अभी भी उनका बैलेंस बाकी था। अब रानियां और डरी, एक तो वो बेगुनाह था, दूसरा घर लूट के रख लिया, तीसरा नजायज उनको जेल में डाला, आज साल हो, अब करें तो क्या, राजा वहां फंसा हुआ है अहमदाबाद में, साल के बाद उसकी जान छुट्टी वहां से, क्योंकि जो एक्सपर्ट वजीर थे वो तो जेल में बंद थे, दूसरे को इतना पता नहीं था, जैसे तैसे करके राजा जान छुड़ा के आया। जब आया नहाए धोए भजन किया, तब रानियों ने सारा किस्सा कह सुना कि महाराज अपने नाश के दिन आ गए, जल्दी नाश होने ही वाला, कोई अलौकिक शक्ति नारायण ठाकुर के अंदर है,
और इस तरह से लीला रोज होती है, मैंने आंखों से हमने देखा। हमने महाराज ठाकुर का अकाउंट भी चेक करवाया, उसका भी बैलेंस तनख्वाह का बाकी। तुम इतने कान के कच्चे थे, तुमने कुछ भी देखा नहीं। अब ध्यान के साथ चौपाइयों को सुनना, अब क्या होता है। राजा ने देखा बहुत सारी सत्य थी, अकाउंट भी बुलवाया, उनका पैसा जमा था, बड़ा पश्चाताप किया। वजीरों को बुलाया कि नगर में ढिंढोरा पीट दो, महाराज ठाकुर को पब्लिक आम में लाकर हम कुछ इनाम देना चाहते हैं। वो बेगुनाह। अब ध्यान के साथ, जेल में कौन गए थे? महाराज। अब अंदर क्षतीत बैठ गए प्राणनाथ, अब बने। अब क्या बन गए? क्योंकि प्राणनाथ अंदर आ गए। प्राणनाथ जन्मा नहीं था, प्राणनाथ के पिता केशव ठाकुर नहीं है, महाराज ठाकुर के पिता केशव। इन चीजों में भटक नहीं जाना, क्योंकि वो जो पूर्ण ब्रह्म होता है उसका कोई भी पिता कोई भी पुत्र। कबीर जी ने लिखा है, जो पूत किसी का होता है वो साहिब किसी का, और जो साहिब सब का होता है वो पुत्र किसी का। वाणी सी जानो, कोई भटकाता भी है तो भटको नहीं। राज जी ने रोशनी दी है, परम ध्यान का जो है ज्ञान उदय तुम्हारे सामने कर रखा है। साथियों अब न भटको, घर चलने का समय आ गया, बहुत पश्चाताप करोगे। श्री महामति अपने साथियों को प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी। अब ये कौन है? हादी, यही मेहंदी और यही इमाम है। अब उनकी बीतक शुरू होती है, जो नूर दीन इस्लाम, जिन्होंने आके निजानंद संप्रदाय का नूर तेज आकर के दुनिया में, झूठ की दुनिया में सत्य का सूर्य उदय कर दिया। अब फिर कहूँ हफ्से की, अब फिर हफ्से की सुनो, जाको प्रमोद बुरिया नाम, जिसको कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो सबसे पहले वो हफ्से की जेल में जाएंगे। जब वो जेल में जाएंगे तो आसमान से मिश्री की ईंटें गिरेंगी। मुसलमान इंतजार में हैं, अभी अल्लाह ताला आए नहीं। जब अल्लाह ताला आएंगे तो मिश्री की ईंटें। बात यह है, उन बकरे खाने वालों से पूछो, ओले पड़ते ना ओले, तो वो ईंटें तो होती नहीं। तो अगर खुले सिर आदमी आधा घंटा रुक जाए तो डेड बॉडी हो जाएगा, जिंदा तो बनेगा नहीं। और अगर ईंटें ही बरसने लग गई तो दुनिया में कौन जिंदा रहे। हफ्से में प्राणनाथ जी गए और फिर लिखा क्या है, उस मिश्री की ईंटों को जो खा लेगा वो सीधा अर्शे अजीम चला जाएगा। वो मिश्री की ईंटें क्या है? ये वाणी, ये है भवानी, जो इसको खा ले, रस अपने अंदर ले ले, आत्म जागृत होगी और सीधा परम धाम जाएगा। 12 महीने जेल में बराबर रहना पड़ा, 1715 का पूरा साल वहाँ रहे। तब कुतुब खान से जान छुड़ा करके राजा आया, वजीर आया, आके वजीर भी साथ आ गया। तब अंदर का महल में, तब महलों में रानियों ने सारा कुछ जिक्र सुनाया, क्यों ऐसा जुल्म किया, क्यों इतना अत्याचार महाराज ठाकुर पे तुमने कर दिया। एक तो घर लूट लिया, एक तो नजायज घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठा, फिर बंद करके रख दिया, साल भर हो गया। शिकार छोड़ो तुम, जल्दी इनको छुड़ाओ, साथ पहुँचाओ और दो दिलासा, और दिलासा दो इन्हें, सिरों पाओ घरों पठाओ, और सिरों पाओ मतलब शान और शौकत के साथ राजाओं वाली पोशाक पहना करके पब्लिक के सामने अपनी भूल मानो कि मुझे गलत रिपोर्ट मिली थी और मेरे से गलत हो गया, महाराज ठाकुर निर्दोष है। जब ये सारी बात हो गई
उन्होंने कहा ठीक है, मेरी स्टेट गुजरात की बहुत लंबी चौड़ी है, जूनागढ़ का सारा हिस्सा मैं राय ठाकुर को देकर और मैं महाराजा बना के भेजूंगा। तो वजीरों को बुलाकर उसी वक्त जो है खलास कर दिया, पोशाके बनाई, ढिंडोरी पीट रखी थी, राजा ले करके सबके सामने। राजा कहते हैं प्यारी जनता, राजा मुझसे भी भूल हो जाती है, बड़ी होती, मेरे पास नजायज रिपोर्ट आ गई थी, मैंने अमल कर लिया, मैंने अकाउंट बुला के देखा है, वजीरों से पूछ सकते हो, मेरा एक ठाकुर बेगुनाह था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अपनी स्टेट का तीसरा हिस्सा जो जूनागढ़ है उस स्टेट का इनको मैं राजा बनाता। तब पोशाक पहरा करके और उन्हें विदा किया। सुंदर सच जी, जिसके तन में राज्य महाराज बैठे हुए हैं, क्या वो MLA की टिकटें या राजा के भूख के लिए थोपते? ठीक है, ये दुनियाचारी होना तो हो गया, उनको खजाना जो मिला था 3 किताबें परमधाम की वाणी, उसको सिर चढ़ा के अब जाना तो पहले सुंदर साथ नहीं, कहाँ चले गए? अरे भाई धाम धनी के पास गए, जाके चरणों में प्रणाम किया, वाणी किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम में, आके कदमों में प्रणाम किया, बातें बीतकी करी, और सारी बीतकी बीती हुई बात कही, और वाणी में क्या लिखा था, मैं लिया पिया दिल से। अब उसमें सारी बात ये लिखी थी, मैं लिया पिया दिल से और पिया मेरे। अब बिहारी जी आखिर गुजराती तो जानते ही थे, अब समझ गए कि ये वाणी अगर सुंदर साथ ने सुन ली तो मेरी गादी, अगर गादी को रखना है तो सुंदर साथ को वाणी की चर्चा कभी समय लगती है ना, वाणी की चर्चा नहीं, सुनाओ भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, इधर उलझाओ उधर उलझाओ, गद्दी कायम रहेगी। बिहारी जी चमके, अब बिहारी तड़प उठे, चमक उठे, खटरूती के सुकन्या, क्योंकि खटरूती में क्या लिखा था, मैंने पिया ले लिया, पिया अब मेरे पास है, खटरूती में साफ लिखा है। अब बिहारी जी ने क्या सोचा कि अगर ये वाणी सुंदर साथ ने पढ़ ली तो निश्चय करके मेरी गद्दी ये चली जाएगी, मेरी मसनद ले लेगा, ये तो खास परमधाम की आत्माओं की बात है, इन तो सुकनों में का, इन्होंने तो अपनी वाणी में क्या कह दिया, मैं लिया धनी अपना, धनी मेरे पास है, तो इत बाकी क्या रहा, तो मेरी मेरी गद्दी में क्या रह गया बाकी, नहीं जा सुकनों की पहचान। बस वाणी अगर भी गुजराती भाषा थी तो कौन गुजराती भाई पढ़ के नहीं समझ जाएगा, करने ना समय लगी है ना। गादी पति क्या कहते हैं कि वाणी को जहर करने देना, रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी बांध बांध के अंदर रखते रहो, ए वाणी साथ मिने, ए सुंदर साथ के अंदर, दिल में जान ऐसा का, बस दिल में ये जान लिया, कुछ भी हो जाए सुंदर साथ को वाणी के दर्शन भी कराने नहीं, इसलिए नियम बना दिए, सुंदर साथ जी कोई सूचा घर नहीं ले जाएगा, तुम्हें पाप लगेगा, भोग नहीं लगा सकोगे, नरकों में चले जाओ। अब हम डर गए, वही सतगुरु महाराज कह रहे, गादीपति महाराज कह रहे, नहीं महाराज जी नहीं, हम घर नहीं राज्य ले जाएंगे। वाणी मैं कुछ नहीं, जो चाहो करो, यहां वाणी से हर एक को बुद्धि राज्य में दे, बहुत सदियां होगी जंजीरों में रहते रहते सुंदरता, काट दो जंजीरों को अपने धनी की पहचान, फिर हर एक के लिए नहीं माथे ले से बीजा मां कर दो, कोई दुखी ना होना। जिनको ये वाणी से दुख होता है तो तमें तुम्हारी माया मां, ये ना कहना
कि प्राण आजन उनके साथी आए थे, हमको किसी ने सच्चाई का रास्ता, बस और कुछ नहीं। ये मंदिर आपको हमेशा आवाहन करता रहेगा, सत की राह पे चलो मेरे साथियों, सत की राह पे चलो। क्यों ऐसा ब्रया किया आपने? क्यों अब बरसे मेरा ठाकुर, मेरा ठाकुर आज तू सब सुंदर साहब के सामने बता दे, तू मुझे मानता क्या है? कहने जी आप मेरे धाम के धनी है, तभी तो उसी राह आपके चरणों में आऊ। कहने जी ये बता धाम धनी कितने? जी आप ही हैं, तो रोता किसको रहा है? तू जो हफ्से में जाके रोता रहा है, तो तेरे सारे रोने का ब्रिहा मेरे ऊपर लगा ना, बोलो क्या उसके सजा दूं? क्या लगे जी एक साल तो जेल भुगताया हूं और कसरा बाकी रहो जेल में भिजवा दूंगा, मैं क्या कर सकता? कहने लगे नहीं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, आखिर तू भी तो मेरी अंगना है ना, तो बस ऐसे कर, ये जो हफ्से में बैठ के तूने ये वाणी लिखी है ना, इसको दर दे कर। वाणी ले ली, छुपा के रख दी, सुंदर साथ में जाहिर नहीं होने दी। अबे वाणी रहने दो, अबे वाणी चुपैया सुनो सुंदर साहब जी, अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं, अब ये वाणी रख दो यहाँ पर, खबरदार किसी को दिखानी नहीं। ए चर्चा सुनो साथ, बस खबरदार कोई भी चर्चा ना सुने, सब सुंदर साहब को हुक्म कर दिया है मेरा ठाकुर की लिखी किताबों की चर्चा नहीं सुनना, अपनो जो मार्ग है, बस अपना जो मार्ग देवचंद जी ने बताया है उसकी फिर चुपाई सुनो। स्वरूप सुंदर संकोच को अमर रू देखने ना खोल नूर जमाल, आंखें खोल के देखो नूर जमाल तुम्हारे सामने धाम के धनी बैठे हैं, बस वही ग्रह ये एक चुपाई वो सुना ही देते थे रोज सबको कि मैं ही तुम्हारा धाम का धनी अक्षराती, तो आंखें खोल करके देखो तुम माया देखने आए हो, जा माया देखो कमाओ, धाम धनी की भी सेवा करो, बच्चे भी पालो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और क्या ये चर्चा बिहार जी महाराज सुनाते थे, वाणी वान पसरी, जान से बोलो श्री प्राणनाथ, वाणी वहां, वाणी वहां, आज भी नहीं पसर रही, पसरनी नहीं, देख लो खुद देखो और परखो, आंखें खोलो आत्मा को जगाओ। वे सरत उस दिन स्वामी जी कहते हैं ये लिखा ही ऐसा था कि गद्दी पतियों से कभी भी वाणी का प्रचार प्रसार होना ही नहीं है, इंतजार थे मोमेंट, अब सुंदर साहब बेचारे इंतजार में थे कि कब वाणी पड़े, कुछ हमारी आत्मा को भी सुख मिले, पर सुन सके ना एक सुपन्ना, पर सुन सके ना, धामधनी ने वाणी छीन के रख ली तो सुनते कहां से, यहां से फारिग हुए क्या, दो एक महीने बीते राजी कहते तू बैठा कैसे, चल राजा बन के बाहर जी को कहो महाराज जी आशीर्वाद दो, और वो जूनागढ़ की स्टेट पथिंडी जरूर है, आप आशीर्वाद दे दोगे ना, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा हल चलाऊंगा हरी भरी हो जाएगी और वहां से अनाज भर भर के सेवा करूंगा आपकी, बात चले गए जाके यही अर्ज विनती की कि धामधनी आपको पता है ना मुझे राजा बना के भेजा है और इतनी बड़ी स्टेट है, आप आशीर्वाद दे दो जरा, पत्थरली जमीन जरूर है, जब धामधनी आशीर्वाद दे देंगे तो पत्थरों में भी अनाज हो जाएगा, सब हरियाली हो जाएगी, भर भर के अनाज के जो है गाड़े आपके पास भेजें, हाँ अब कल आई ना ठीक है ना, जा धामधनी का आशीर्वाद है पत्थरों में भी खेती हो जाएगी। कहने लगे जी मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा, वो वाणी थी ना वो मुझे ले दो, मैं अकेला पढ़ता फिरूंगा या मैं किसी को सुनाता नहीं। कहता ठीक है, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, तू यहाँ से वाणी ले जा अपनी वास्ते गांव बसाने, गांव बसाने के लिए बहाने से गए आए जूनागढ़ के हाल, बस अब सुंदर सा जी क्या होता है, आज भी जूनागढ़ से आप जामनगर जाओ तो रास्ते में एक नदी बहती है, रात वहां स्वामी जी ठहरे, सुबह महावीर नाम के एक दूध वाले और उनकी लड़की तेज दूध,
तेज कुबरी की आयु इस समय 22-24 साल की होगी। उस स्थान में आत्म परम धाम की बेटी हुई है फूलबाई वाली। रोज पिता माता पिता रिश्तेदारों से खटपट है, वो कहते नहीं मेरी शादी हुई हुई है, जब मेरे प्राण ना खा जाएंगे मैं दूर से पहचान लूंगी। अब वो पानी भरने आई थी, दूर से देखा कि मेरे धनी बैठे, तुरंत घूंघट निकाली। पिता पूछने लगे, बेटा आपकी तो अभी सगाई नहीं हुई तो घूंघट किससे निकाला है? कहने लगे मैं रोज आपसे कहता ना, कहती थी ये मेरे पति हैं, इन तन का नाम मेरा ठाकुर है, मेरे प्राणनाथ हैं, इसके गुरु ने बिहारी जी ने इस तरह से मुझे निकाला था, फिर इनको कह दिया था कि या उसको ले या मुझे ले, तो मैंने इनको एक चिट्ठी भी लिखी थी कि चिंता ना करना मैं नया तन धारण करके आपकी अंगना ही बन के रहूंगी, ये बात उनको जाके याद करा दो, वो तुरंत मुझे इस नदी के ऊपर ही अंगीकार कर लेंगे। उनके पिता गए, जाके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है, स्वामी ने कहा स्वीकार। ले आए जल की चुल्टी भर के बस छींटा उसको दिया, अंगीकार किया, तेज कुरी श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। अब इसके बाद जूनागढ़ में प्रसंग वहां के पंडित का चलेगा, कुछ लंबा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट हो। वह प्रसंग कल। सुंदर साथी जी, जिंदगी बीती चली जा रही है, बीत तक के दिन भी बीते चले जा रहे हैं, अर्चने अवश्य माया की आती हैं और आती रहेंगी, घबराना नहीं, ये 20 दिन का सुख फिर ना जाने हाथ आएगा या नहीं, वो तो धनी के हाथ की बात है, कल किसने देखा है, आज का लाहा लीजिए, काले किसने देखा, कल किसने देखा, बस आज इतना ही स्वीकार करो। जूनागढ़ पहुंच जाते हैं, ओ कांजी भाई, वो जो सामान ला रहा था खरीद रहा था, जब स्वामी जी चले गए तब वो बेचारा क्या करता, तो वो वहां से चल के जूना किस पंडित के पास, हरजी व्यास, वहां दिग्विजयी पंडित रहता था, उसकी सेवा खिदमत में रह रहा था। अब स्वामी जी उसके पास पहुंचते हैं तो क्या और किस तरह से बात बनती है, ये चर्चा कल सुनिएगा। यहाँ से फर्क सलोत्रे 1716 सलोत्रे कहते हैं 16 को, 1716 के साल में वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल आए कार्तिया जी मेरी
चरण